हेलो एंड वेलकम टू अनकंडीशनल पॉइंट। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, मैं हूं रहीम खान, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अनकंडीशनल पॉइंट। जो मेरे भाई मेरे पास कमेंट्स कर रहे थे कि भाई हमें ये बताओ यस बैंक क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो गाइस आज मैं आपको यहां पर यस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करके दिखाने वाला हूं कैसे आप यस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। केवल 4 स्टेप के अंदर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं यस बैंक क्रेडिट कार्ड, इस वीडियो को स्किप के बिना जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद गाइस आपको उस लिंक पर क्लिक करना है जो मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर आपका नाम, मोबाइल नंबर, एरिया पिन कोड वगैरह डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आप डायरेक्ट डिडक्ट हो जाएंगे उस पेज पर जहां पर आपको यस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है। लेकिन मैं पहले आपको यहां पर थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं गाइस। देखिए मैं अभी यस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर आ सकते हैं यस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। एक्सप्लोर प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो जो प्रोडक्ट आप और भी मिल जाएंगे आपको, यहाँ पर लोन वो लेना चाहते हो भी आपको ये मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर उस पेज पर है जहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड अभी अप्लाई करने वाले हैं। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए क्रेडिट कार्ड का टैब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। नीचे देख सकते हैं यहाँ पर रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है। सिक्योर ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर मिलती है, ठीक है। इसके अलावा गाइस नीचे आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर इनके जो भी क्रेडिट कार्ड है आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, देख सकते हैं यहाँ पर यस EDG क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है अलग अलग क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, यार सारे यस बैंक के क्रेडिट कार्ड है। अगर आप नाउ मोर पर क्लिक करेंगे गाइस तो आपको यहाँ पर इन क्रेडिट कार्ड की डिटेल भी दिखाई देगी, जो भी डिटेल होगी आपको इस कार्ड की वो दिखाई देगी। ये बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल बताना चाहता हूँ कौन क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या। तो गाइस देखिए यहाँ पर बोल रखा है अगर आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र है कम से कम 21 साल होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मैक्सिमम 60 साल होनी चाहिए। सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों अप्लाई कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, लेकिन आपकी जो मिनिमम नेट सैलरी है वो 60,000 पर मंथ होनी चाहिए, तब आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो सालाना इनकम है वो कम से कम जो है 7.2 लाख होनी चाहिए, यानी कि 7,20,000 रुपये से ज़्यादा आपकी सालाना इनकम होनी चाहिए तब आप एलिजिबल होते हैं इस क्रेडिट कार्ड के लिए, ठीक है। यार यस बैंक तो बहुत ज़्यादा भाई मांग रहा है इनकम, ठीक है, तो जब किसी की इतनी इनकम होगी फिर क्रेडिट कार्ड क्या करेगा वो। तो गाइस यहाँ पर जो भी है आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है और क्रेडिट कार्ड के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। एनुअल बोनस रिवॉर्ड्स क्या मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी सभी के सभी क्रेडिट कार्ड की, जो भी क्रेडिट कार्ड आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहेंगे। तो गाइस आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा, और गाइस जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए गाइस यहाँ पर क्या लिखा है, आप केवल 4 स्टेप में यहाँ पर क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद, मोबाइल नंबर डालने के बाद, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी, ठीक है, अपनी एलिजिबिलिटी आपको यहां पर चेक करनी होगी। अगर आप एलिजिबल होंगे क्रेडिट कार्ड के लिए तो गाइस आपको यहां पर क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर मिल जाएगा। तो क्या करना है, अभी आपको यहां पर सबसे पहले अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो आपको यहां पर क्या करना होगा, ये जो डिटेल है आपको सही तरीके से फिल करनी है। आपका पैन कार्ड का नंबर आपको यहां पर डालना होगा, आपका 10-डिजिट मोबाइल नंबर आपको यहां पर डालना होगा जो एक्टिव हो, क्योंकि इस मोबाइल नंबर पर एक OTP आपकी आएगी, और जैसे आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एक OTP आएगी। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई करना होगा आपके मोबाइल नंबर को, और जैसे आप वेरीफाई करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद गाइस आपको यहां पर KYC करनी होगी अपने आधार कार्ड से, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी हो रही है आपके शायद, ठीक है, अगर आप एलिजिबल होंगे क्रेडिट कार्ड के लिए तो आपको क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर मिल जाएगा। तो गाइस देखिए अब वो पेज आ चुका है जिसके अंदर आपको आपका आधार कार्ड डालना होगा, आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके उस वाले नंबर पर एक OTP आएगी जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होगा, वो OTP आपको यहां पर डालनी होगी, और जैसे आप यहां पर OTP डालेंगे आपकी जो भी डिटेल होगी आधार कार्ड के अंदर वो आपको दिखाई देगी, यानी आपका फोटो, आपका एड्रेस, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, सब कुछ दिखाई देगा। देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पर मेरा फोटो आ चुका है, मेरा नाम आ चुका है, ठीक है, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा कंप्लीट एड्रेस। यहाँ पर नीचे पूछ रहा है कि भाई आपका ये जो एड्रेस है ये सही है, ठीक है, करंटली आप यहीं रहते हैं, अगर रहते हैं तो ठीक है, नहीं है तो नो करने के बाद आप यहाँ पर करंट एड्रेस अपना डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर नो कर दिया, मैं करंट एड्रेस अपना यहाँ पर डाल देता हूँ, और करंट एड्रेस डालने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना हूँ, सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। जैसे सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट पेज होगा उसके अंदर अभी हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर मिलेगा गाइस, ठीक है। अगर हमें क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर मिलता है फिर हमें आगे के स्टेप कंप्लीट करेंगे। तो गाइस देखिए हम एलिजिबिलिटी अब चेक कर रहे हैं, अपनी एलिजिबिलिटी के पेज पर आ चुके हैं। ऑक्यूपेशन टाइप में आपको चूज करना है, आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी है, और आपका कंपनी का नाम आपको यहां पर डालना होगा। नीचे आपको आपके ऑफिस का एड्रेस डालना होगा कंप्लीट, जो भी आपके ऑफिस का एड्रेस होगा। जब आप यहां पर अपना ऑफिस एड्रेस डाल देंगे, ऑफिस एड्रेस डालने के बाद गाइस आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा और बताना होगा आप अपना जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो रेजिडेंस चाहते हैं, ऑफिस चाहते हैं। तो गाइस जैसे ही आप जो है अपना ऑफिस एड्रेस डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट पेज आ जाएगा। यहां पर पूछेगा भाई
किस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए या फिर ITR के जरिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड करेंगे, अगर आप सैलरीड होंगे तो आपको सैलरी स्लिप देनी होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है, कोई लोन चल रहा है, तो उसके अगेंस्ट आप क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, तो आपने यहाँ पर ये वाला चूज करना है। अगर आपके पास ITR है या फिर सैलरी स्लिप है तो आपको नीचे वाला चूज करना है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो यहाँ पर ITR या फिर सैलरी स्लिप देकर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें, तब आपको ज्यादा लिमिट मिलती है क्रेडिट कार्ड की। ठीक है, तो आपको इनमें से कोई भी चूज करना है, जो भी आप चाहते हैं, जिस तरीके से आप चाहते हैं। अगर आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो आप जो है क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट भी क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। ठीक है, यस बैंक का। तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है गाइस, इनमें से आपको कोई भी एक चूज करना, सेवन कंटिन्यू में क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर मिलेगा। जिस क्रेडिट कार्ड के लिए भी आपको ऑफर मिले, उस क्रेडिट कार्ड को आपको यहां पर अप्लाई करना होगा। तो गाइस देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है यस प्रोस्पराइटी बिजनेस क्रेडिट कार्ड, यानी मैं बिजनेस मैन हूं तो बिजनेस के लिए मुझे यहां पर क्रेडिट कार्ड दिखाई दे रहा है। यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं दो क्रेडिट कार्ड, इन दोनों क्रेडिट कार्ड में से मैं कोई भी एक चूज करूंगा, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करूंगा। बेनिफिट क्या मिलते हैं, क्या चार्जेस लगते हैं, सब कुछ आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना, सिलेक्ट कार्ड पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद गाइस आपको यहां पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करनी होंगी। ITR है तो ITR अपलोड कीजिए, अगर क्रेडिट कार्ड चाहते हैं क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट बनाए तो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट अपलोड कीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा एप्लीकेशन को। यहां पर गाइस मैं इसको छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि गाइस यस बैंक पूरी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये केवल कुछ सिटी के अंदर ही क्रेडिट कार्ड आपको देता है, और मेरी सिटी के अंदर यस बैंक क्रेडिट कार्ड अभी अवेलेबल नहीं है, मुझे यहां पर ही रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, इससे मेरा सिविल स्कोर भी खराब होगा। तो गाइज अगर आप भी चाहते हैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना, यस बैंक का इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको 90% तक बता दिया कैसे आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं आपको 100% बताऊं कैसे आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, तो गाइज इस वीडियो को जो है लाइक करने के बाद मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जब मैं आपके लिए वो वीडियो लाऊं जिसके अंदर कंप्लीट स्टेप बताऊं लास्ट तक कैसे आप यस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो गाइज आपको उस वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज ये थी वीडियो कैसे आप यस बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।